ये माता दी, राम राम। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत पे और हम तोड़ रहे हैं बीन। लास्ट टाइम भी मैंने जब मतलब इससे पहले तोड़ा था, तब भी मैंने आप लोगों को दिखाया था थोड़ा थोड़ा सा, और बताया था कि हमारे जो है वो कितने का बीन हुआ था। तो आज सेकंड टाइम, वैसे तो थर्ड टाइम है जो हम उसमें से बीन निकाल रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा था। सेकंड टाइम हुआ था 13-13.5 हज़ार का बीन। और कल हमने तोड़ा, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल मैं खेत में नहीं आई थी, शाम को आई थी थोड़ी सी देर। तो कल वैसे 3-4-5 लोग थे तोड़ने वाले, तो उन्होंने तोड़ा 3 क्विंटल बीन, मतलब 304 किलो जो काट कूट काटते हैं उसके बाद बचा था इतना। टोटल 319 किलो बीन तोड़ा था, तो अभी थोड़ा सा रह गया है तोड़ने को, तो आज हम उसको तोड़ेंगे। तो कल जो हमारा बीन गया था वो गया था 15,500 के आसपास का बीन, तो सारा नहीं तोड़ा गया क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा था तोड़ने के लिए। तो अभी 3-4 लाइनें, मतलब एक कट्टा, मतलब 50 किलो के आसपास अभी और भी होगा बीन तोड़ने के लिए। तो मैं और माता जी आज उसको तोड़ेंगे, देखते हैं कितना टूटता है, क्योंकि हम वैसे भी लेट जा रहे हैं खेत में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बीन अपना, तब मैं आपको खेत में ले चलती हूँ। कितने पैसे देना? तो पैसे रुका कौन तेरे? लाला जी देना कालो कालो तो तीन बजे ये देखिए यहाँ पे कितने सारा बीन जो है वो लगा हुआ है। इसको जो है हमें इस तरह से तोड़ना होता है आराम आराम से, क्योंकि इसमें अभी फ्लोरिंग भी है आई हुई, तो अगर हम इसमें ज़्यादा ज़ोर से झटका मारेंगे तो या तो टहनी भी टूट सकती है और फ्लोरिंग भी गिर सकती है नीचे। तो इसीलिए हमें इसको जो है वो आराम आराम से तोड़ना है, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बीन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, मतलब ज़्यादा आएगा अगर इसकी इसमें फ्लोरिंग और टहनी टिकी रहेगी। इसीलिए तो इसको इस तरह से तोड़ते हैं। ये दूसरे वाला बीन है, इसमें मतलब एक दूसरा जो पिछली बार मैंने दिखाया था, तो वो हमने उसको मतलब ऐसे बैठ के आराम से तोड़ सकते हैं, बट इसको खड़े होके तोड़ना पड़ता है क्योंकि इसमें ये देखिए बेल कितनी लंबी लंबी जा रही है ऊपर। तो ये थोड़ा सा इजी भी है और इसमें एवरेज भी ज़्यादा होती है बीन की। ये रही पलटी, तो इसको मुझे अभी डालना है
कट्टे में, ये रहा यहाँ पे कट्टा। अभी कट्टा मैंने भर दिया है, तो इसको जो है वो इस तरह से ये डोरी जो है बीन में मतलब बांधी हुई होती है, इसको मैंने तोड़ा था और इसकी हेल्प से मैंने कट्टे को जो है वो अच्छे से स्टिच कर लिया। तो इस तरह से कट्टा जो है वो हम लोग स्टिच करते हैं। बस अब शाम को गाड़ी आएगी तो गाड़ी में इसको दे देंगे, यहाँ पे रहेगा तब तक ये। अभी मैं आ गई हूँ घर को बीन तोड़ के, गाय के पास मैंने पानी पिलाया और थोड़ी थोड़ी सी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की सी, क्योंकि मौसम भी है एकदम से, सुबह बहुत अच्छा था और अब भी जो है वो बारिश वाला हुआ और अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। तो अब देखते हैं, एक कट्टा तो हमने तोड़ दिया और अभी देखते हैं शाम को मौसम क्या कहता है, मौसम के हिसाब से ही आगे का काम होगा। अगर मौसम साफ रहा तो शायद एक कट्टा और तोड़ देंगे, एक तो शायद उसमें होगा भी नहीं, थोड़ा सा है। अगर नहीं साफ हुआ, बारिश हुई, तो फिर कल तोड़ेंगे, शाम को गाड़ी भी आ जाएगी बीन ले जाने वाले। तो अभी घर जाके खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं शाम को क्या बनता है। कहाँ जा रहे हो रियांश आप? रिशु के घर। रिशु के घर क्या करना वहाँ? खिलौने। हाँ, तो अभी जो है वो शाम हो गई है और इस टाइम हमें बीन नहीं तोड़ना है, क्योंकि शाम को टाइम भी थोड़ा कम सा होता है। कहाँ है? इसको नहीं देते, गंदा ये थे। तो घास घूस का भी करना पड़ता है थोड़ा सा, और तो इसीलिए मैं और रियांश अभी घूमने जा रहे हैं यहीं पड़ोस में गांव में बच्चों के पास। तो रियांश ने जिद की कि हमें जाना है किसके घर? रिशु के घर। रिशु के घर, तो मैं आपको दिखाऊंगी वहां पे। तो भी इनका एक कट्टा ही तोड़ा, उतना ही दे देंगे, वैसे भी दूसरा अगर तोड़ते तो वो पूरा नहीं भरता, इसीलिए कल तोड़ेंगे बाकी का बचा हुआ बीन। तो अभी हम जाते हैं पड़ोस में। हम रिशु के घर जा रहे हैं। छोड़ के वहाँ पे हम खेलेंगे अभी जाके। अच्छा, गिर का कौन कर कितने ये मैं आपको दिखाती हूँ वंशु का खिलौना। तो गांव में बच्चे खुद से जो है वो कुछ इस तरह के खिलौने बनाते हैं। इसने एक वो लिया है, धागा है जो वाइट वाइट सा है, इलास्टिक नहीं है, ये धागा है। और बंद बैठा, तू क्या चल रहा होगा का कुछ है, तो इसमें छेद करके पता नहीं किस तरह से भिरोया हुआ है और ये बनाया है। रियांश और ऋषभ जो है वो खेल रहे थे, तो रियांश स्पेशल इसके साथ खेलने आता है क्योंकि घर पे ये बोर हो जाता है। तो यहाँ पे पकड़म पकड़ाई और बस ऐसे ही करके थोड़ी सी देर, फिर हम इसके बाद अभी घर चले जाएंगे। घर तो क्या, अभी हमें अपने ओबरे के पास जाना है, मतलब गौशाला में। तो जब रियांश थोड़ा सा खेल जाएगा उसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगी आपको काउ मिल्किंग की, ज़्यादा लंबी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बोरिंग सी वीडियो हो जाती है काउ मिल्किंग की, तो इस करके। सो अभी हम रिशु के घर से भी आ गए हैं घूम के। कहाँ से आए? रिशु के घर से। और गाय भी हमने, गाय से दूध निकाला उसके बाद। और इनको जो है वो ये देखिए, यहाँ पे
बाहर थोड़ी देर के लिए बांध दिया है और घास भी डाल दिया है। तो अब मैं और रियाज जाएंगे घर को। कहाँ जाएंगे? घर को। घर में जाके जलाएंगे आग और मक्की भूनेंगे। तो अभी हम जाते हैं घर।